हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आप सभी का दोस्त गगन, और आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है अनबॉक्सिंग। और मेरे पास पहला प्रोडक्ट है गोडेक्स का, ये वायरलेस माइक है। इसका पूरा नाम है गोडेक्स मूवी लिंक M2, और इसके मैं आज रिव्यू करूंगा, टेस्टिंग करूंगा और अनबॉक्सिंग करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, गोडेक्स मूवी लिंक M2 की हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, बॉक्स में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है दो डेड कैट जो कि हम अपने माइक के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कुछ पत्रियाँ, और हमारे पास ये एक्सेसरीज बॉक्स है जिसके अंदर केबल्स है काफ़ी सारी। फिर हमें देखने को मिलता है एक चार्जिंग केस गोडेक्स का जिसके अंदर है दो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। एक्सेसरीज बॉक्स में हमें रेड केबल रिसीवर टू एनी डिवाइस, ब्लैक केबल रिसीवर टू कैमरा, 3 USB टाइप सी टू टाइप ए केबल, 2 कॉलर माइक्स, 3 स्टिकर्स जो कि हमारे रिसीवर और माइक्स में लग सकते हैं पीछे की साइड क्योंकि वो मैग्नेटिक है, 2 डेड कैट और एक धागा जो कि हम इसके कैरी केस में लगा सकते हैं। ये कैरी केस एक चार्जिंग केस भी है जिसमें हम तीनों डिवाइस एक साथ USB टाइप सी के जरिए हम चार्ज कर सकते हैं। हाँ तो गाइस, अब मैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए बाहर आ चुका हूँ, और इसकी अब हम रेंज टेस्ट करेंगे। और इसका प्रोडक्ट का कहना है कि ये 50 मीटर तक जाता है, तो अब मैं धीरे धीरे इसको पीछे लेके जाता हूँ मैं, और देखते हैं कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है। एक बार इसको कॉलर पे लगा देता हूँ मैं, कॉलर पे लगा दिया तो मैं पीछे जाता रहता हूँ। मैं अभी भी काफ़ी पीछे जा चुका हूँ। हाँ तो गाइस, मेरे लिए इतना इनफ है, और बीच बीच में ये कट रहा था लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका था, काफ़ी एक्सट्रीम हो चुका था। लेकिन अगर मैं व्लॉगिंग करूँगा तो मैं जनरली यहाँ तक मेरा इतना डिस्टेंस रहेगा, जनरली मैं इतना दूर तक जाएगा, तो मेरे लिए इतनी रेंज काफ़ी है, और मेरे लिए क्या कहते हैं ये वाली वीडियो क्वालिटी वगैरह सब कुछ काफ़ी है, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। और आगे देखता हूँ मैं। अभी तक हमने टेस्ट किया है इसका डेड कैट के साथ, अब मैं क्या कहते हैं कॉलर माइक लगाता हूँ और कॉलर माइक की क्वालिटी चेक करते हैं। हाँ तो गाइस, ये मैंने क्या कहते हैं कॉलर माइक इसमें सेट कर लिया है, और अगर मैं दिखाऊँ तो एक सेकेंड, ये तो क्या कहते हैं ये इतना कॉम्पैक्ट है कि इसमें जो इसके साथ जो कॉलर माइक आया था वो मैंने इसमें लगाया, ठीक है। अभी ये क्या कहते हैं आवाज़ बिना कॉलर माइक के नॉर्मल इस माइक से आ रही है, अब कॉलर माइक से, तो इसको मैं आसानी से कहीं से भी जेब वगैरह में छुपा सकता हूँ। तो मुझको तो क्या कहते हैं ये काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कॉम्पैक्ट लगा, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है। बाकी उस टाइम पर बारिश हो गई थी तो हमें एकदम से स्विच करना पड़ा, लेकिन मैं होपफुली मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा सका। हाँ तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट मुझे ऑनलाइन देखने को मिल रहा था कुछ 18,500 रुपये का, ये मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है 16,000 रुपये का। ओवरऑल क्वालिटी और बाकी सब चीज़ें अगर मैं ऑल ओवर देखूँ तो ये मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा है। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।